अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको डॉग सोशलाइजेशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, डॉग सोशलाइजेशन, आप माने या ना माने मगर एक डॉग की लाइफ में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है। बचपन से लेके लाइफ टाइम तक ये डॉग्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है, वरना डॉग्स एग्रेसिव भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के आसपास भी कुछ ऐसे डॉग्स होंगे जैसे कि कोई जर्मन शेपर्ड या फिर रॉटवाइलर, जो आते जाते लोगों को देख के बहुत ज्यादा बार्क करता है और दूसरे डॉग से लड़ने के लिए भी रेडी रहता है। और यहाँ तक कि उनके ओनर से मिलने कोई रिलेटिव्स या फिर उनके फ्रेंड्स उनके घर पे आए तो उनपे भी वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। वो डॉग्स इतने एग्रेसिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि शायद उनके ओनर ने उनको अच्छे से सोशलाइज नहीं किया होगा। आप में से बहुत से लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे भी बहुत से रीजंस हैं, जैसे डॉग्स को हमेशा लीश में बांध के रखना, घर से बाहर ना निकलने देना और दूसरे डॉग्स और ह्यूमंस के साथ मिलने ही ना देना। दोस्तों, आपने स्ट्रीट डॉग्स तो देखे ही होंगे, आपके गली के आसपास भी बहुत से होंगे। तो आप कभी ये नोटिस करिए कि उन डॉग्स के आसपास से कोई भी ह्यूमन बीइंग निकल जाता है तो उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स को उस एनवायरमेंट के बारे में अच्छी खासी जानकारी होती है और उनको उस एनवायरमेंट में रहने की आदत भी हो जाती है। और जो वो एग्रेसिव डॉग्स होते हैं उन्हें घर में रहने की आदत होती है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, लेकिन जब कोई तीसरा घर में आता है तो उस डॉग के लिए वो थर्ड पर्सन एकदम नया है, इसीलिए वो उनपे बाग भी करते हैं। और ऊपर से अगर उस डॉग को आप ज्यादातर टाइम लीश में बांध के रखेंगे तो वो डॉग और भी ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। मेरे दोस्त के पास भी एलेक्स नाम का एक डॉग है जो कि एक स्ट्रीट डॉग है। जब वो छोटा था तब वो सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली और लविंग नेचर का था, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वो थोड़ा एग्रेसिव होने लगा। उसकी फैमिली में काफी मेंबर्स थे जिनको डॉग से डर लगता था, इसलिए वो ज्यादातर टाइम एलेक्स को लीश में बांध के रखते थे या फिर उसे टेरेस पे अकेला छोड़ देते थे। दोस्तों, ध्यान रखिए कि डॉग्स को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहना पसंद होता है और वो अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब आते हैं एलेक्स की बात पे। तो वो एलेक्स को ज्यादातर टाइम लीश में बांध के रखते थे जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उसे घर में खुला छोड़ने लगे और जब भी वो नीचे घूमने आता था तो आसपास के स्ट्रीट डॉग्स उससे मिलने के लिए पार्क में आ जाते थे। कुछ दिनों तक एलेक्स उन पे घुर्राता था, लेकिन अब वो सारे फ्रेंड्स हैं। वो स्ट्रीट डॉग्स टॉम के भी फ्रेंड्स हैं, जिन्हें आप टॉम डायरीज के एपिसोड में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डॉग्स को सोशलाइज करें कैसे। दोस्तों, जब डॉग्स पपीहुड में होते हैं तभी इनको सोशलाइज करने का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि तब ये किसी को काट नहीं सकते और उतने एग्रेसिव भी नहीं होते, सबके साथ फ्रेंडली होते हैं। तो उस वक्त आप इनको आसपास के पार्क्स में लेकर जा सकते हैं, इनके साथ फेच या फिर कुछ और गेम्स खेल सकते हैं और इनको उस टाइम खुला छोड़ के रखें। बट पपी को ऐसे पार्क्स में भी ना लेकर जाएं जहाँ पे पूरी लंबी लंबी घासें हो और पूरा जंगली एरिया हो, जिसकी वजह से उसको कुछ बीमारियां भी लग सकती हैं। आपके आसपास के अगर किसी फैमिली मेंबर के पास या फिर किसी फ्रेंड के पास अगर कोई डॉग है तो आप अपने पपी को उन डॉग से मिलवा सकते हैं, मगर ध्यान रखिए कि वो डॉग एग्रेसिव ना हो। और अपने पपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलवाइए, फॉर एग्जाम्पल अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने नेबर्स के साथ। डॉग्स के बड़े हो जाने के बाद गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर जैसे डॉग्स तो लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, बट डॉबरमैन और रॉटवेलर जैसे डॉग ब्रीड्स को थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड डॉग सोशलाइजेशन के बारे में। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद।